हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, मैं हूँ न्यू टिहरी में, ठीक है। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं गोड हेड डैम, और अभी टाइम हो गया मेरे ख्याल 1:30 बज गए हैं। तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, वैसे तो दिल्ली के लिए जा रहे थे, लेकिन अब सोचा कि मसूरी चल लेते हैं पहले। तो अब यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट जाएंगे मसूरी, और फिर उसके बाद हम रात को निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो चलो देखते हैं कैसा कैसा रहेगा, है ना। मौसम वैसे अच्छा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे जो आपको दिख रहा है वो डैम ही है, एकदम बहुत प्यारा नज़ारा दिख रहा है। ये अपनी ये खड़ी गाड़ी और वो रहे मेरे दोनों दोस्त। चलो ठीक है, हम निकलते हैं अभी थोड़ी देर पहले, बीच में अभी खाना खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे। सो यहाँ से दिल्ली है 305 चंबा, 11 किलोमीटर, ऋषिकेश 72, मसूरी हमारा है 65 किलोमीटर। यस एग्जैक्टली। व्यू इतना प्यारा आ रहा है अभी, क्या बताऊँ, मतलब नज़ारे। बारिश हो रही है, मतलब होने वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अब देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। वैसे टाइम दिखा रहा है 2:30 अभी लगता है कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ देखो, क्योंकि मौसम क्लियर है। अरे नहीं, हम तो ट्रैफिक नहीं है, आराम से चलेंगे ना, एंजॉय करते हुए। क्या व्यू है यार। टिहरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, पर अभी तो हम जा रहे हैं यार घर वापस। यहाँ पे हम इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था, जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से पूरा न्यू टिहरी दिख रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है यार। एक चीज़ गलत होगी पता है, यहाँ पे बादल आ गए पूरे, नहीं तो यहाँ से पता है पूरी हिमालय रेंज दिखती है, वो और अच्छी लगती है। देखो जंगल ऊपर। चलो अब तो धीरे धीरे चलते हैं घर की तरफ, घर नहीं सॉरी मसूरी की तरफ। हम इस वक्त हैं चंबा मार्केट में, मेन बाजार में। यहाँ का लुक बहुत ही प्यारा है, जबरदस्त है यार। मौसम अच्छा हो गया सबसे बड़ी बात तो। हाँ यार, वरना भी धूप में इरिटेशन हो रही थी। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं यार, नेचर वाइज लोग अच्छे हैं। पुलिस वाले इतने अच्छे से बात करें तो क्या ही बोलें, सही बात है। नेचुरल लुक है यार, सबसे अच्छी बात ये है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। कितनी हवा है, इतनी प्यारी ठंडी हवा लग रही है ना। फील ही ऐसी आ रही है कि ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाओ यार, क्यों जाना है। तो हम आ गए हैं धनौल्टी में, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। यार देखो, खा लेंगे। भैया पनीर कौन सा बढ़िया, पनीर खाओगे? हाँ। तो अमन भाई तो दही के बिना रह नहीं सकते हैं। अच्छी है। पनीर आ गई अपनी, सैलड आ गई, रोटियाँ आ गई, क्या मज़ा आ रहा है देख रहे हो आप। यहाँ खा रहे हैं और व्यू देखो। ओके सो इट्स भुट्टा टाइम। हमने हाफ हाफ कर लिया, एक अमन खाएगा हाफ हाफ में, अमन रोस्टेड भी खाएगा। तो अभी निकाला सामने से तो गर्म नहीं होगा। आनंद भाई ने तो वहीं खा लिया सब। ये अब गाड़ी चल गई है 474 किलोमीटर, और अब हाफ टैंक हो गया है। देख लो हम कहाँ कहाँ घूम के आ गए, टिहरी होके आ गए, धनौल्टी आ गए वापस। एवरेज दिखा रहा है 26 की। देखते हैं ये टंकी कहाँ तक चलती है एक तेल। तो हम निकल रहे हैं अब धनौल्टी से सीधा मसूरी की तरफ। ये देखो यहाँ रील बन रही है सनरूफ से बाहर निकाल के। अरे वाह, यहाँ पे था अच्छा था यार खाने के लिए, इतना प्यारा व्यू है यार, वाह। ऐसा लगता है ना कैमरे में उतना कैप्चर नहीं हो सकता जितना आंखों से कैप्चर। सच बात है, ऐसा लगता है कि यहीं रुक जाओ। कैमरे में नॉर्मल लगता है लेकिन आंखों से देखो तो आहा। ये हम मसूरी के घने जंगलों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। चढ़ाई देखो गाइस इतनी स्टीप है ना, क्या बताऊं।
से ये गाड़ी यही चला रहा है। खत्म है सीएनजी वाली का हिसाब तो यहाँ पे तो देख नहीं रहा कितना ऊपर जा रहे हैं यार। मतलब तू अभी चला रहा होता तुझे पता होता कितना पंजा दबा रहे। वो डीजल है इसलिए आराम से चढ़ रही शांति से। और हम बंदे भी तीन है, पांच होते ना अभी इसके भी हौसले हो रहे होते। देखो तो रोड गाइस वी आर इन मसूरी। अरे बाप रे कहाँ ले जाएंगे ये गाड़ी को मेरी। ये मसूरी में लग गया है जाम, इतनी पतली सी रोड है यार। ये देखो ये क्या है, इतना सुंदर सुंदर। ये हमारी गाड़ी, हम तो साइड में खड़े हैं भाई। देख लो पहले तो रोड कितनी पतली है, रोड इतनी पतली है। यहाँ ले आए फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, जाम में खड़े हैं आधा घंटा हो गया यार। ये आ गई फॉर्च्यूनर, चलो हम भी जाते हैं, रास्ता क्लियर हो गया। सुपर बाइकर्स ओके गाइस। सो मसूरी हम पहुंच गए थे लगभग एक घंटे पहले, होटल वोटल लिया। आपने ट्रैफिक देखा ही होगा, इतना बुरा ट्रैफिक था ना क्या बताएं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ माल रोड पे और यहाँ पे थोड़ा ऐसा नज़ारा, भीड़ सही है अभी क्योंकि टाइम भी हो गया। कितना टाइम हो गया? 9। सो भीड़ भी कम है, ठीक है, सही है। क्राउड शॉप्स खुली हुई सबसे अच्छी बात है यार। अब डिनर करेंगे उसके बाद जाके सो जाएंगे, कल सुबह सीधा दिल्ली के लिए रवाना। ये पहली बार आया है मन्ना मसूरी, बेचारा कभी कहीं घूमने ही नहीं गया आज तक। मेरे को बोल रहा था काफ़ी टाइम से कि यार घुमा दो, तो फिर मैं ले आया इसको यहाँ। बहुत खुश हो रखा है। अरे वाह, खाने गोलगप्पे? ये तो भाई खाओ। ये हमारे दो यूपी भाइयों ने पान ले लिया है। मारो पीक, ऊपर जाते हैं यार थोड़ा और कुछ खाएंगे। पनीर मोमोस ये इनके, ये इधर इनकी चाय, वो चिकन मोमोस खा रहे हैं। ये देखिए माल रोड पे प्री वेडिंग शूट। चलो हम आ गए हैं, हम अब आ गए माल रोड के इस साइड। पहले हम परली साइड थे, अब हम इस साइड आ गए जो कि मेन माल रोड बताया जाता है ना। यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने के लिए भी है बढ़िया पॉइंट। वो थी रोड, अब यहाँ पे थोड़ा सेल्फी पॉइंट के पास जाते हैं। यहाँ से ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ये है पूरा मसूरी और यहाँ से नीचे ये देहरादून, और यहाँ से इस साइड जाके जॉर्ज एवरेस्ट आगे है जाके। ये हम यहीं पे हैं अभी। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अब हम निकल चुके हैं मसूरी से, 4 बजे निकल गए थे मॉर्निंग में दिल्ली के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए। तो अब सहारनपुर के नज़दीक पहुंच गए, अब थोड़ा चाय वाय पियेंगे। वो पीछे वहाँ पे स्टॉप लिया हमने, चाय वाय पियेंगे उसके बाद जाएंगे। आनंद को 10 बजे ऑफिस जाना है इसलिए सुबह 4 बजे निकलना पड़ा यार। चलो मैं हाईवे दिखाता हूँ। हाईवे बहुत खुला है, मतलब यार खाली, ट्रैफिक ही नहीं है। ये देखो इनको आधी नींद में उठा के ले आए। कर लिया ऑर्डर? ये सब इसकी वजह से। सो गाइस हम पहुंच गए नोएडा सेक्टर 62 ना, नोएडा 62 पहुंच चुके हैं हम। और ये देखो अब पूरी टंकी में गाड़ी इतनी चली 875 किलोमीटर। अब ये टिप टिप कर रही है, अब तेल लला देंगे, 500-600 में पहुंच जाएंगे हम अपने घर।
ओके गाइस, सो फाइनली पहुंच गया हूं अपने घर पे मैं, और टोटल ट्रिप हमारी रही है 936 किलोमीटर की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और अगर आप यहां तक आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।